लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चली है, जहां से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों का नाम सामने ला दिया है। लेकिन अब गठबंधन की हवा जिस तरीके से राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से नहीं करना चाह रहे थे, क्या वही दर्द अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है? यादव कह रहे हैं इस बार जंगे मैदान में है, बाबा को सबक सिखा देंगे ताल ठोक के। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी ना डूबे जिसपे प्रभु श्री राम का नाम था। शायद आपको मालूम नहीं है किससे बातें कर रहे हो, बाबा से। बाबा मैं है उत्तर प्रदेश, और जानते हो तुम एक दो आना भी जरूरी है तुम्हारा, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो कपड़े कौन फाड़ेगा, ये नहीं रहेंगे तो कपड़े कौन फाड़ेगा। एक दो आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आज की याद बचाएंगे, याद रखना इस बात को। 50-50 कर दिए थे। अरे 50-50 नहीं, इस बार आज की याद बचाएंगे और टपा टप बजाएंगे, टपा टप बजाएंगे। नाबालिग रेप किया, क्या किया उसका? मैं तो उसी के बगल का हूँ, सुल्तानपुर जिले का हूँ, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है अयोध्या हमारे यहाँ से। कह रहा है आपस में फूट डालते हैं, ये साथ में लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। कौन फूट डाल रहा है? फूट कांग्रेस डाल रही है, समाजवादी डाल रही है, जो MY को MY फैक्टर को लेके चल रही है। बाबू देखिए, MY फैक्टर जो है वो BJP को वोट नहीं देगा। अरे भाई आप ये तो क्यों नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पिछड़े को हमने टिकट दिया, हमने दलित को टिकट दिया, हमने अल्पसंख्यक को टिकट दिया, अब क्या चाहिए आपको? टिकट दिया तो, लेकिन एक मिनट, टिकट दिया ना उनके लिए, काम क्या किया आपने? मायावती क्यों खत्म हुई? मायावती हमेशा पिछड़ों के साथ रही, मायावती इस चुनाव में क्यों खत्म हुई? 10 साल के चुनाव में मायावती का वजूद एकदम खत्म हो गया। वो हमेशा पिछड़ों की बात करती थी, पिछड़ों का वोट लेती थी, लेकिन मायावती ने पिछड़ों के लिए किया क्यों? क्या किया क्या? अच्छा आपको इस बार क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो जुगलबंदी बनी थी, ये 6 लोगों का, वो लड़कों की जोड़ी हमेशा ठीक है, इस बार कांग्रेस ने 1 सीट से 6 सीट पा गई, समाजवादी 5 सीट से 3 सीट पा गई, वो तो MY फैक्टर था, लेकिन जिसने उन्हें दिया वो पछता रहे हैं। सरकार वहां कर दो, इन्होंने तो सोचा लिमिट टैक्स लगा दिया, लोटा लेके जाएंगे अब हिमाचल में। ये कह रहे थे MSP दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, क्या दे देंगे? कह रहे योगी को टक्कर दे देंगे, योगी जी को टक्कर। योगी जी राष्ट्रवादी हैं, सुनो, सन्यासी, वो सनातनी सन्यासी हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है ना? वो नहीं है, वो कहते हैं हमारे क्या होता, सन्यास लेते हैं लोकेशना, पुत्रेशना और वित्रेशना, तीनों ये स्ना नहीं है महाराज जी में। महाराज जी अग्नि स्वरूप है, क्या है? अग्नि स्वरूप। वो कह रहे थे जंकर अंगर, वो कह रहे थे टिम्पल है, वो निष्ठा को निष्ठा बता रही थी जब संसद में बोल रही थी, निष्ठा निष्ठा ही नहीं पता, पता ही नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, ये तो वहाँ पढ़े ना उसका ऑस्ट्रेलिया में, बाहर पढ़ के आए। हाँ वही हुई थी ना इनकी, ये जो सिंह से और जय यादव तभी बनी थी, ये भी वही थे ना वो वाले, ठीक है ना, वो भी वही पे थे। तो अब क्या था, वो कह रहे जंग का रंग उसका रंग होता है, अरे उसे क्या पता, भगवा कोई वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा बहना बाना पहने श्री राम जी रावण के सम्मुख खड़े हुए, भगवा को अपमान करने की कोशिश, अरे जिस दिन वो कह रहा था हिंसक हिंसक हिंसक, एक को भी लज्जा नहीं आई, 28 दलों में से, लगभग ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, उनमें से 28 में से 26-27 जो है ना वो सनातनी थे कहने को, ठीक है ना, एक को भी लज्जा नहीं आई, अरे सनातनी ने कौन सी हिंसा की, कौन सी हिंसा की, अरे कश्मीर से भगा दिए, कौन सी हिंसा की, अरे 57 देश तुम्हें सौंप दिए, कौन सी हिंसा की, अरे क्या हिंसा थी, क्या जानते हो तुम हिंसा के बारे, 84 के दंगों में तुमने झोंक दिए, कौन सी हिंसा थी, तुम हिंसा की बात करते हो, अरे तुमने बात की, तुमने सनातन को गाली देने की बात करती है, इनकी पार्टी से जुड़े लोग वो कहते हैं सनातन कोरोना है, सनातन एड्स है, वो बोध उत्तर प्रदेश का मौर्या स्वामी प्रसाद मौर्या, ठीक है ना, वो क्या कह रहा था, उसके उन्हीं की पार्टी के व्यक्ति कह रहे थे, पता लग हो गया है प्रमोद किसरन, वो कह रहे थे उनके मुंह की बावासीर है, अब बावासीर जिनको मुंह में बावासीर है ऐसे ऐसे लोग तो उनकी पार्टी में, फिर ये कहाँ से जीतेंगे, खटाखट वाला तो गया, अब लोग समझ चुके हैं। देखो बहुत ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 10 में से 9 तो बाबा जी की आ रही है लिखित में। लेकिन भगवाधारी की बात जैसे आपने कर दी, तो उन्होंने मठाधीश और माफिया से संपर्क करा दिया था, बोला कि ये जो है दोनों लगभग देखिए उन्होंने ऐसे ही मठाधीश पाले हैं, ये विकास दुबे, अतीक
है ना, अंसारी, ऐसे ऐसे लोग तो थे ये। एक वो चच्चा जेल में पड़े हैं अभी, दिन गिन रहे हैं, ठीक है ना। इनके तो चच्चा थे वो, बाप की तो कभी मानी नहीं, बाप की कभी नहीं, नहीं मानी, अपने बाप को बाप नहीं और दूसरे के बाप को पप्पा। और सुनो, ये जब तक दिक्कत नहीं थी, जब वो भैंसे ढूंढ के लाता था प्रशासन तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब वो चार प्लाट और ईदगाह की जमीन और जो है उसकी मदरसे की जमीन, और सबसे बड़ी बात सोचने की बात है, जिसे हमारे इस्लामिक भाई मुस्लिम भाई जिसे अपना नेता मानते हैं, कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर रखा था, वो चार प्लाट खोज लाई तो दिक्कत हो गई। अभी कह रहे थे बरसात में, बोले चचा चलो तुम्हें बाहर घुमा लाए, मौसम सुहाना हो रखा है, बोला भाई रहने दो। अच्छा सर, आप एक मिनट रुकिएगा सर, आपको क्या लग रहा है कि जो उपचुनाव में छह लोगों का पीडीए के आधार पे अखिलेश यादव ने लिस्ट तैयार की है, वो क्या लग रहा है, गठबंधन टूटने वाली हालत हो गई है क्या? वो छह की छह सीट बीजेपी ले जाएगी, वहाँ अखिलेश यादव मैदान में है ही नहीं, मैदान में नहीं है। लोकसभा में क्या कर दिए थे? देखिए लोकसभा में उनका जो दो तीन मुद्दा था उस पर जनता डैमेज हो गई, बाकी देख रहे हैं कि उनकी जैसे ही उसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ लोकसभा चुनाव में, इन्होंने जो दो तीन वादे किए कि अगर बीजेपी 400 पार होती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। उनका दूसरा मुद्दा था कि खटाखट हर महिलाओं को 8,500 रुपये हम महीना देंगे, लेकिन कह रहे हैं इस बार जो हमने तैयार किया लिस्ट वो पीडीए के आधार पे होगा, सबका डेवलपमेंट होगा। अरे वो मैदान में ही देखो, आप कह रहे हो लिस्ट, लिस्ट नहीं उसे बोलो लास्ट, लास्ट 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 में आएगा उनका नंबर, लिस्ट में नहीं आएगा, लिस्ट में तो वहाँ वही आएगा केसरिया। और सुनो, जब हरी लाइट होती है ना तो चलने का होता है, लाल लाइट आती है तो क्या रुकने का होता है, रुकने का होता है, खतरा, क्या खतरा, और जब ऑरेंज हो जाती है क्या होता है, चलते रहो, तैयारी कर लो। जब सूरज निकलता है ना तो जब वो केसरी होता है और केसरी रहता है, लोग उठते उठ जाओ, उठने का समय हो गया है, जागृत होने का समय हो गया, तो जो ये रंग है ना भगवा, ये जीवन का रंग है। जैसे पटकनी दी थी, जैसे पटकनी दी थी वैसे सर्दियों में जब सूरज नहीं निकलता ना तो फिर हालत खराब हो जाती है, फिर जब वो सूरज केसरी नहीं दिखता ना फिर लोग घर में आग जलाते हैं, वो केसरी उससे आँच लेते हैं, उससे ऊर्जा लेते हैं, तो ऊर्जा का रंग है ये इसी का। और जब तक ये रहेगा, इसलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र, जब ये रहेगा तो जीवन सर्वे भवन्तु सुखिना, जियो और जीने दो, सबके सुख में अपना सुख, और सर्वे भवन्तु सुखिना की बात हम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम्, सबको अपना परिवार मानने वाले लोग हम सनातनी हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश वालों को कि 10 की 10 सीटें बाबा जी को दे दो, फिर देखो विकास, ये तो इतना फिर देखो विकास, ये तो पिछली बार देखो विकास, ये तो पिछली बार सुनो, इनका जो विकास है ना उनका भी विकास कर दिया हमने, तो इनका जो विकास थे ना विकास दुबे जैसे, उनका विकास कर दिया, और इतना विकास कर दिया कि जो बार बार घूमते थे ना अब वो बाहर भी नहीं आ रहे, ठीक है ना। और सरकार को तो एनकाउंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, उन्हीं के लोग मार दे रहे। अच्छा बताओ अतीक से दिक्कत किसे थी भैया? तुम्हारा कोई आदमी पकड़ा जाए या आपका कैमरेमैन पकड़ा जाए तो दिक्कत किसे होगी? दिक्कत किसे होगी? आपके राज बातें, आपकी भी आपके चैनल की खुफिया बातें कौन बताएगा? आपके चैनल की खुफिया बातें कौन बताएगा? दूसरा चैनल डर रहेगा ना, बोले भाई इसे निपटाओ, क्या करो निपटाओ, इससे जो बना इसके हाथ कटवा दो, क्या करो, ये तो दूसरे करवा दे काम। तो इसीलिए अतीक से दिक्कत बाबा जी को नहीं थी, अंसारी से दिक्कत बाबा जी को नहीं थी, दिक्कत उन्हें थी। अभी अखिलेश कह रहा था जी उनको स्लो पोजन दिया गया, उनको जहर दिया गया, खाना कहाँ से आता था, कहाँ से आता था, उनके घर से। तो इसका मतलब अखिलेश को पता था, गड़बड़, जांच कराओ भाई इसकी। जितने ना वो अभी कह रहे थे वो ईडी को पूछा दिया, सीबीआई को पूछा, इनकी जांच कराओ, ये खुद ही कह रहा था ना। देखो अपनी बात पे, उसी की बात पे कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं जहर दिया गया, इसका मतलब घर में जहर देने वाले उनके परिवार वाले, और मैं सहयोगी कौन भाई? सर एक सेकेंड, मिल सकता है सर? सर कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के? यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, अखिलेश यादव ने 6 की लिस्ट तैयार कर दी है, क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने लिस्ट किया, अच्छी बात है, महासंग्राम होगा तो उसमें क्या है, कौन सी नई बात है? वो कह रहे हैं पीडीए के आधार पर तैयार किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तीनों को मिक्स किया है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बार भी बीजेपी जो है वो 6 सीट पर जो है 10 सीट की चुनाव है। हाँ, 10 सीट में 6 सीट बीजेपी को मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? हम बोल दिए पिछली बार लोकसभा में जैसे मात दिया था, इस बार भी मात, इस बार जस्ट उल्टा होने जा रहा है। बबुआ बब्बार बबुआ कहाँ जाएंगे,
ऐसे इतनी देर की रिश्तेदारी थी भाई? आप कह रहे हो गठबंधन वाली बात, हाँ। उन्होंने जो कही थी वो जो तिरछी नाक वाले हैं, है ना, वो जो तोते जैसी नाक हैं जिनके हरी मिर्ची नहीं खाते हैं, नल तोड़ लाते हैं सीएम हाउस से, ठीक है ना। और उन्होंने जो कहा था छोटे छोटे दल मिलकर दलदल करेंगे फिर कमल खिलाएंगे, कहाँ गया वादा? अरे सर कह रहे पीडीए के आधार पे हमने लिस्ट तैयार की है। अरे उन्होंने तो कहा था छोटे छोटे दल मिलके दलदल करेंगे फिर से कमल खिलाएंगे, उन्होंने तो कहा था और खिल गया कमल। कह रहे हैं लेकिन यूपी में जैसे टक्कर दी थी ना वैसे ही टक्कर देंगे। टक्कर तो टंटन हो गई है, वो कह रहे थे खटाखट खटाखट खटाखट। हमें मनोरंजन का जब भी मन होता था चुनाव के टाइम में हम वीडियो लगा लेते थे, राहुल की, अखिलेश यादव की, है ना, एक वो डिंपल यादव की, वो भी अच्छी लगती थी खटाखट करती हुई, और एक वो हमारी जो कभी साड़ी पहन ले देती है फिर जींस में आ जाती हैं, वाड्रा हो जाती हैं चुनाव, वैसे जी की बात कर वैसे तो वाड्रा है, और फिर जो है लोअर टी शर्ट में आ जाती हैं, विदेश में जाके वो अंदर वाली बात भी सामने आई हुई। सर कह रहे टक्कर जैसे दिया था वैसे फिर, और वही कह रहे थे, फिर वो कह रहे थे हमारे लालटेन वाले चाचा जी के लोंडे, हाँ। नवी फैल जो जिन्हें वो कहते हैं तेजस्वी, हाँ। है ना, वो हाँ। भी कह रहे वो उनको अलग ही बनाया था, टनाटन टनाटन टनाटन, एक खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे ना आप मुंबई में जाओ वहाँ करोड़ को कहते खोखा, है ना, और लाख को कहते पेटी। आने वाले समय में 8400 रुपये किसी को लेने होंगे ना, वो क्या कहेंगे भाई खटाखट दे दियो, क्या खटाखट दे दियो, हाँ। तो खटाखट ही चलेगा, अब खटाखट में फटाफट होगी। इन्होंने क्या कहा था, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, बॉन्ड भर भर के दे दिए थे घरों में, हमारा प्रत्याशी जीतेगा 8400 रुपये, जुलाई आते ही खाते में मैसेज आए खटाखट, ठीक है ना। कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो यादें, जीत नहीं बुला दिए। फिर वही बात, प्रत्याशी की बात हुई थी जिन प्रदेश। चलिए लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल जाते जाते कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर में उपचुनाव उत्तर प्रदेश में किसको 100 सीट पे कितना वोट देना चाहते हैं।